मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और ये झीलों की नगरी साथ में एक रियासती शहर भी था, जहां पर आपको लाल पत्थरों से बनी हुई बहुत सारी इमारतें नजर आएंगी। और अभी हम जहां पर मौजूद हैं, ये भोपाल की ताजुल मस्जिद है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। आप देख सकते हैं ताजुल मस्जिद लाल पत्थरों के साथ, ये लंबी लंबी मीनारें और गुम्बद पे संगमरमर का काम। कहा जाता है इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो भोपाल की 8वीं बेगम शाहजहां बेगम ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब शाहजहां बेगम जिंदा थी तब तक इस मस्जिद का काम पूरा ना हो सका, क्योंकि धन की कमी थी, और तकरीबन 85 सालों में ये मस्जिद जो है वो बनकर जो है वो तैयार हुई। और इस तरह की कई इमारतें आपको भोपाल शहर के अंदर नजर आ जाएंगी। कहीं ना कहीं भोपाल एक रियासती शहर भी था, तो बहुत सारा इतिहास भोपाल से जुड़ा हुआ है। वहीं पूरे प्रदेश की राजनीति को समेटे हुए भोपाल अपनी राजनीति की कहानी कुछ अलग तरीके से बयान करता है। भोपाल में जिस तरह पूरे भारत में आम चुनाव है लोकसभा के, तो भोपाल की सीट पर भी लोकसभा का चुनाव होना है। 7 मई को मतदान होगा। 1989 से भारतीय जनता पार्टी का भोपाल की सीट पर कब्जा है। लोकसभा में 35 साल हो चुके, कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुल सका है। 2019 में प्रज्ञा ठाकुर यहां से चयनित हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। और अब 2024 के इस रण में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा है, तो कांग्रेस पार्टी ने अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में भोपाल की जनता क्या सोचती है, भोपाल की जनता के मन में क्या है, ये हम आज उनसे जानेंगे। हम पहुंच चुके हैं भोपाल के चौक बाजार। चौक बाजार यानी कि भोपाल का व्यस्तम इलाका। आप देख सकते हैं ये सकरी गली, और इस सकरी गली में हजारों सैकड़ों लोग हमेशा, चाहे कोई सीजन हो, शादी हो, ब्याह हो, त्योहार हो, इसी तरह से लोगों का रश आपको इस चौक बाजार में नजर आता है। इस मोहल्ले को सांसदों का मोहल्ला भी कहते हैं, क्योंकि इस मोहल्ले ने कई सारे सांसद जो हैं, 3 सांसद कम से कम जो हैं, वो लोकसभा को, भारत की लोकसभा को दिए हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर पहुँचती है, और अब जैसा कि चुनाव है और चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि एक शब्द होता है हमने जिसको सुना हुआ है, प्योर भोपाली यानी भर्रू काट भोपाली, वो यहाँ पर वो लोग आपको मिल जाएंगे और हमको मिल जाएंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर भोपाल की जनता जो है वो वोट करने वाली है। भाई क्या नाम है आपका, इनसे जानते हैं सबसे पहले, क्या नाम है आपका? संजय राठौर। संजय भाई, भोपाल के अंदर भी चुनाव है, 7 मई को मतदान होना है, आलोक शर्मा है एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरुण श्रीवास्तव हैं, किन मुद्दों पे भोपाल की जनता और आप लोग वोट करने वाले? आलोक शर्मा जी को वोट किया जाएगा। क्या मुद्दे हैं आलोक? उन्होंने जितने भी काम कराए, बाकी उन्होंने पहले भी कराए जब वो महापौर रहे थे, बाकी उन्होंने अभी विधायक की सीट में वो तो हार गए, बाकी सांसद में उनका कंफर्म है कि वो जीतेंगे। जी, पूरी उम्मीद है आपको। आपका नाम बताइए और किन मुद्दों पे वोट करने वाले? संदीप राठौर। और मेरा मेन मुद्दा है सबसे टॉप पे जो है मोदी जी, खासकर बीजेपी पार्टी, उसके बाद बीजेपी के काम बहुत हैं। नजरिए में देखा जाए तो जो अभी बीजेपी में जो डेवलप हो रहे हैं भोपाल क्षेत्र में, वो आज तक नहीं देखे हम लोगों ने। और रहे अपने अपने आलोक शर्मा जी, बेस्ट हैं वो, काम भी करेंगे और अच्छी चीजें हैं बीजेपी। इसके पहले आलोक शर्मा हार गए एक चुनाव, 2023 का जो विधानसभा चुनाव था वो हार गए, दोबारा पार्टी ने उनको मौका दिया, इस बार विश्वास है? ये पार्टी को भी विश्वास है और ये जनता को भी विश्वास है कि वो जीतेंगे। आप एक युवा हो, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि युवा किन मुद्दों पे वोट करे, क्या उसको आने वाली सरकार से उम्मीदें हैं? मेरे तो देखो पढ़ाई को लेकर तो मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा तो उस मुद्दे पे भी ऐसा है कि बाकी आने वाली चीजें ऐसी हैं, डेवलपमेंट पे अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट हुआ, और भोपाल क्षेत्र ऐसा है थोड़ा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कुछ ज़्यादा है कुछ लोगों का, तो वहाँ भी है ना बीजेपी बहुत उन चीज़ों को कंट्रोल करती है, बीजेपी बहुत कंट्रोल करती है क्रिमिनल जो भी आइटम होते ना, इनको बहुत कंट्रोल करती है बीजेपी, तो उस मुद्दे पे भी मेरे को लगता है बीजेपी को वोट देना ज़रूरी है और वो जीतेगी भी। अरुण श्रीवास्तव जो हैं लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के, उनके बारे में क्या कहना है? अभी तक उनका मैंने इतना ज़्यादा सुना नहीं, जाना नहीं।
आलोक शर्मा महापौर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भोपाल से, तो चित परिचित चेहरा है, लोग उनको जानते हैं। हम जब शुरुआत हमने की तो जो दो लोग हमें मिले उनका साफ यही कहना था कि आलोक शर्मा को हम जो है वो जिताएंगे। यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ हमें कुछ महिलाएँ दिख रही हैं, महिलाओं से बात करने का हम प्रयास करेंगे। मैम, आपसे बात कर सकता हूँ? किन मुद्दों पर वोट करने वाला है इस बार भोपाल की जो जनता है उसके मन में क्या है? सर, मन में तो सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं अभी बीजेपी की जनता ऑलरेडी है और काम भी अच्छा कर रहे हैं, तभी वो वापस अभी चुनाव में जीत पाए हैं। तो लग रहा है कि लोकसभा में भी बीजेपी की ही शायद से अच्छा ही आएगा, क्योंकि उनने काम अच्छा किया है। बाकी हाँ, प्राइवेट इलाकों के हिसाब से अगर काम और अच्छा हो सकता है, जैसे अगर वॉशरूम और अच्छे हो जाएँ, क्योंकि मेन अगर मैं मार्केट में देखूँ, यहाँ पर मार्केट में ही है और मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉशरूम की दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि वुमेन्स सेंट्रिक मार्केट है, वुमेन्स का ज़्यादा यहाँ पर आना जाना होता है। तो अगर यहाँ पर वो थोड़ा और अच्छा हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हीं को ज़्यादा आती है, तो उस बेसिस पे भी मेरे ख्याल से यहाँ पर वोटिंग होगा। आलोक शर्मा खुद भी यहाँ से महापौर रह चुके हैं इसके पहले, तो एक ये समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए, ये आपका कहना? ये सिर्फ इसी इलाके के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी है, बट मैं यहाँ के होते हुए मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर, जैसे स्वच्छता को हम ज़्यादा बोलते हैं कि क्लीनलीनेस होना चाहिए, और भोपाल मेरे ख्याल से नंबर टू नंबर थ्री पे भी है, तो उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि यहाँ का थोड़ा सा और ये काम होगा अच्छा, तो मे बी वुमेन सेंट्रिक वोट और ज़्यादा उनकी तरफ आएगा, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। दोनों तरह की बातें इन्होंने की, कहीं ना कहीं समस्या भी इन्होंने बताई। मैम, आप बात कर सकती हैं, आपसे बात करूँ? देखिए, दो तरह की बात इन्होंने की, जहाँ एक तरफ जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर भी इन्होंने कहा, और वहीं ये भी बताया कि किसका पड़ला भारी। अभी तो शुरुआत है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ हम और लोगों से बात करेंगे। लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है इस बार किसका पल्ला भारी है, किन मुद्दों पे जो है चुनाव वोट करेंगे? बीजेपी का पल्ला भारी है। क्या वजह है? वजह ये है कि इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह 3 लाख वोटों से जीती थी, तो उसका मार्जिन कम नहीं हो पाया। पर आलोक शर्मा तो इसके पहले 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव एक अलग चीज होती है और केंद्र की राजनीति अलग होती है, तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो वही जीतेंगे। अभी जितने लोगों से हमने बात की, उनसे बात करके तो यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं आलोक शर्मा का जो पल्ला है वो भारी नज़र आता है। और भी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक भोपाल जो है वो खासी अल्पसंख्यक समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो बेहद ज़्यादा है, और दो विधायक भी जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से यहाँ आते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग हैं जो बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। भोपाल में चुनाव है लोकसभा के, 7 मई को मतदान है, किन मुद्दों पे भोपाल की जनता मत डालने वाली है, क्या लगता है? साहब, हम क्या बता सकते हैं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही ज्यादा वो है और आना भी उसे ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किए। कांग्रेस पे कागजों पे काम करती है और जनता पार्टी की जो सरकार है वो हर काम को अंजाम देती है, समझे आप? इसलिए जनता पार्टी ही आएगी और जनता पार्टी को ही आना चाहिए। आपसे बात कर सकता हूँ? आइए आइए आइए। आप किन मुद्दों पे, आप एक युवा भी हैं, किन मुद्दों पे जो है वो युवाओं को वोट करना चाहिए, क्या दरकार है सरकार से, जो आने वाले वक्त की सरकार है उससे क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि थोड़ी गरीबी कम हो, और इसके अंदर जो भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, और क्या कहते हैं जो महंगाई तो ऐसा सर, महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ गई, ऐसी कोई वो नहीं है उसके अंदर, पर महंगाई तो बढ़ती चली जाती है, आम आदमी के लिए बहुत सही नहीं है ये चीज़। जैसे अब एकदम रेट बढ़ जाते ना, वो जीएसटी लब से लगी है, जब से बहुत महंगाई हो गई। देखिए, बिल्कुल महंगाई का भी एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है महंगाई का, जो आम इंसान के जेब पर असर डालता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ महंगाई बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ कमाई भी बढ़ गई है। लोकसभा के चुनाव हैं 2024 के, क्या लगता है आपको किसका पड़ला भारी और किन मुद्दों पर जो है भोपाल की जनता मत डालने वाली है? अब देखिए, आप किस पे डालेगी, अभी कोई कह नहीं सकते। आपके क्या मुद्दे हैं, आम जनता के क्या मुद्दे हैं? महंगाई को लेके और क्या है, महंगाई, बेरोजगारी महंगाई दोनों को लेके यही जी, और कुछ नहीं है। अभी क्या करते हैं आप? सब्जी मंडी का काम है। सब्जी का काम है। सब्जी महंगी हो गई? नहीं, सब्जी तो अभी सस्ती है।
पहले जो आवक थी सब्जी का आप काम करते हैं, पहले जो आवक थी वो आवक बेहतर थी कि अब जो आवक है वो बेहतर? अब तो बाजार भी गंदे हो गए ना लॉकडाउन के बाद से, लोगों का पैसे ही खत्म हो गए, इसलिए आवक क्या, अब इंसान बेरोजगारी ज्यादा हो गई ना, लागत निकल जाती है, यही काफी है। इनसे बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, दुकानदार बड़ी बेहतरीन बात कर रहे हैं यहाँ के। देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, आप लगातार रोजाना व्यापार भी करते हैं, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि सरकार क्या करे, जो भी चुन के आए वो आम इंसान के लिए क्या करे? सब आम इंसान के लिए हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, मोदी जी के राज में जो भी काम हो रहा है सबसे बेहतरीन काम हो रहा है आज तक के इतिहास में। आप इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस का भी राज रहा, बीजेपी का भी आया, फिर कांग्रेस का आया, आज मगर जो मोदी जी के नाम का ठप्पा लगा हुआ है, ये काम ना अभी तक हुआ है ना होगा आगे। एक बात बताओ भाई, क्या नाम है आपका? विपिन जैन। विपिन भाई, मैं अभी जब से यहाँ आया हूँ चौक बाजार में लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पल्ला मुझे भारी नजर आ रहा है। भारी नहीं, काम बोल रहा है। पल्ला तो कभी भारी नहीं हुआ, आज से 10 साल पहले का इतिहास उठा के देखोगे तो कांग्रेस का पल्ला बहुत भारी था मगर काम नहीं किया था। आज मोदी जी का पल्ला इसलिए भारी है कि मोदी जी ने काम किया, जो आदमी ने सोचा नहीं था वो काम हो गया। तो ऐसे 370 धारा, कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवादियों का मुद्दा हो, या इंडिया के जो भी, अभी जैसे आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि अपने इंडिया के हिंदुस्तान के 10 वैज्ञानिक विदेश के अंदर फंसे हुए थे, आज तक इतिहास में आप उठा के देखो कि कोई दूसरी सरकार ने फंसे हुए आदमी को इंडिया वापस लेके आया गया जबकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है मगर नहीं ला पाया। मोदी जी जो करते हैं वो सब कर सकते हैं, मतलब मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो मोदी कर सकते हैं वो सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, मोदी ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता है। एक बात है कहीं ना कहीं कि जब आप चौक बाजार में मैं घूम रहा हूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ खासा रुझान जो है वो यहाँ के लोगों का है, ज्वेलरी की शॉप है। इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। 2024 लोकसभा का चुनाव काफी सरगर्मी समेटे हुए है भोपाल की सीट, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है और क्या मुद्दे होने चाहिए आम इंसान? आपको सरगर्मी दिख रही है, सरगर्मी तो है ही नहीं, वन साइडेड है। अच्छा। जी, और दूसरा वन साइडेड किसकी साइड जा रहा है चुनाव, अब ये तो आप भी समझते हैं। अच्छा। हाँ जी, आप जनता है, आप बोलिए साहब, आप 5 विधायक किसके हैं यहाँ, उसका मेजोरिटी बनना है, मतलब उसी को जीतना है, क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए जो भी जीते आम इंसान के लिए क्या करें, इंसान के लिए सबसे अच्छी सहूलियत जो दे रहे हैं, जो विकास चल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है जी। आप सेटिस्फाइड हैं, मतलब ये जो तमाम लोग बातें करते हैं महंगाई, GST, तमाम चीजों की बात, अपने देश में महंगाई फिर भी बहुत कम है, आप दूसरी कंट्रीज में जाके देखिए कितनी महंगाई है वहाँ पर, लोग तराई तराई कर रहे हैं, पड़ोसी देशों में चले जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ पर। कितने बाल बच्चे हैं आपके घर में? दो। हाँ, क्या करते हैं? एक पढ़ना है, दोनों एक दुकान पे बैठता है, एक दुकान में बैठते हैं, एक को पढ़ा रहे हैं। हाँ जी जी, मतलब कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया आपने कि किसकी तरफ जो है वो हवा जाती हुई नजर आ रही है। देखिए चौक बाजार में जब हम घूम रहे हैं या फिर हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं एक बात साफ कह रहे हैं कि 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2 में जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती थी, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं आलोक शर्मा का जो पड़ला है वो भारी नजर आता है। आप लोगों से बात करूं, भोपाल के हैं आप लोग? नहीं, आष्टा के हैं। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, असल में यहाँ मार्केट से लोग आते हैं, बाहर बाजार करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, किन मुद्दों पे मत डालने वाली है भोपाल की जनता और किसका पल्ला भारी नजर आता है? अभी तो महंगाई मुद्दा है और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी, तो वही मुद्दा हमारा। तो क्या क्या उम्मीद है कि जो भी सरकार बने आने वाले वक्त क्या करें? जो भी हो अच्छी सरकार बने। हाँ। और कोई भी सरकार बने, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे गठबंधन सरकार हो, एक अच्छी सरकार है जो सबका हित सोचे, मेन चीज ये आम इंसान के बारे में सोचना। महंगाई नहीं होनी चाहिए, बहुत महंगाई हो गई, अब 10 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी, बस यही और क्या। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बचते भी हैं बात करने से, क्योंकि एक वजह है उसकी, क्योंकि जब आप कैमरे पे आ जाते हैं तो आपकी राय भी जो है वो साफ हो जाती है, सामने आ जाती है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, किन मुद्दों पे भोपाल की जनता मत करने वाली और क्या मुद्दे हैं आम जनता के, क्या लगता है? आम जनता के मुद्दे सर यही हैं कि देश का विकास हो, मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा काम ही कर रहे हैं, थोड़ी नीतियाँ इनकी कम समझ में आती हैं लोगों को, लेकिन फिर भी ओवरऑल
राहुल जी से अच्छे हैं। ओवरऑल राहुल जी से अच्छे हैं, पर वो इंडिया गठबंधन सिर्फ राहुल जी अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग अब आ गए हैं। तो उनका कोई नेता ही नहीं है, आप बताइए, जो राजा ही कोई नहीं है तो प्रजा कैसे चलेगी उनसे। ये भी तो है, राजा ही नहीं है, कोई उनका एक लक्ष्य ही नहीं बनाया कि किसको बनाना है, सब बनने को तैयार है, फिर एक एक साल का करेंगे, एक एक साल अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो आगे कैसे बढ़ेगा देश। अगर मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल में क्या मुद्दे समझ में आते हैं आपको, जो भी आए जीत के आने वाले वक्त में, वो क्या और भोपाल के लिए बेहतर करे? बेहतर के लिए सर, जैसे मैं अभी इसके पहले एक चौक पे बात कर रहा था एक दुकानदार से, उन्होंने कहा कि शौचालय की व्यवस्था इस चौक मार्केट में कभी नहीं हो पाई जहाँ हजारों लोग हमेशा से आते रहे। तो आलोक शर्मा तो महापौर भी रह चुके हैं, फिर ये उनके ध्यान में नहीं आई बात? सर उन्होंने किया है पहले, ऐसा नहीं है, एक ये फर्स्ट वाला जो बना है उन्होंने बनवाया, एक चौक में भी बना है। जनता को तो सर कितना ही करवा के दे दो, जनता फिर भी कहेगी नेताओं ने किया क्या है। तो इसलिए मैं आलोक जी के साथ जाऊंगा, ऐसा नहीं है, उन्होंने काम तो किया है, काम हर सरकार करती है सर, लेकिन थोड़ा बहुत तो खींचतान वाले भी रहते हैं, इसलिए किया है, लेकिन और कर सकते हैं, और शौचालय थोड़े बढ़ सकते हैं। 2023 में क्यों हरवा दिया फिर आलोक शर्मा जी को, जब इस बार सांसद बना रहे हैं? एक्चुअल में क्या है कि जो उत्तर क्षेत्र है ना सर, वहाँ पे 50% से ऊपर मुंडन कम्युनिटी है, तो उसका वोट प्रतिशत उनको ही ज्यादा जाता है, कुछ बाकी ये से थोड़ा बहुत रह गए होंगे इसके कारण। कहीं ना कहीं आरिफ अकील फैक्टर था, इस वजह से भी आतिफ अकील को लोगों ने वोट। जी हाँ जी सर, जी बिल्कुल सर। आपसे बात करूं क्या, 2024 के चुनाव हैं? अंकल से बात करने की कोशिश करता हूं, काफी कहीं ना कहीं पूरा एक्सपीरियंस समेटे हुए हैं आप, 2024 का लोकसभा चुनाव है भोपाल, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव? चुनाव सब जनता के ऊपर है, जनता ही करेगी चुनाव के लिए, अपन क्या कर सकते हैं। क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या मुद्दे हैं? जनता जो अच्छी सरकार जो काम करेगी उसके लिए चुनेगी। क्या काम करने चाहिए सरकार? सब काम मालूम है सब लोगों के लिए, अपने हर क्षेत्र के लिए काम रहते हैं। कितना वक्त हो गया भोपाल में रहते हुए आपको? हो गई 30 वर्ष। तो भोपाल को तो आपने नीचे से ऊपर बढ़ते हुए देखा होगा। वो सब देख रहे हैं साहब, सब क्या है। सबसे अच्छा कार्यकाल किस सांसद का रहा भोपाल में? उमा भारती भी यहाँ से रही, कैलाश जोशी भी यहाँ से रहे, सब सांसद ही साहब जो कुर्सी बैठ जाते हैं वो सभी काम करते हैं, लेकिन अब उसकी गिनना नहीं हो पाती, अब ये है बस। क्या लगता है आपको, इस बार आलोक शर्मा का साथ देगी जनता या अरुण श्रीवास्तव? अब अपन क्या कर सकते हैं साहब, अपन तो अपने वोट भी किसी को भी जिसको अच्छे लगेंगे दे देंगे, अब हम क्या बताएं उसके लिए। मतलब अभी आपने मुट्ठी बंद रखी है, सीधा मत डालेंगे जी, बताएंगे नहीं कि मन में क्या है, जनता बताएगी आप, हम क्या बताएंगे। मत किसको डालेंगे, ये सीधा 7 तारीख को जाके मतदान करेंगे, मुट्ठी नहीं खोलेंगे, साफ कर दिया है। अंकल से मैंने बात की थी, आपसे बात करता हूँ, साड़ी के व्यापारी हैं, साड़ी से सजी हुई दुकान भी इनकी नजर आ रही है, आप देख सकते हैं और मौजूद भी हैं। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है भोपाल का, भोपाल की जनता किन मुद्दों पर चुनाव जो है मतदान करने वाली है, और मुद्दे असल में भोपाल की जनता के क्या हैं? क्या भोपाल की जनता के मुद्दे तो कुछ ऐसे वो नहीं है, रोड पानी सड़क सब बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, लाइट भी परापर आ रही है, बाकी मतदान तो अच्छा होगा। अच्छा, ये जो भोपाल में आपने कहा कि रोड नाली ये मूलभूत जरूरतें हैं आम इंसान की, रोड सड़क नाली बिजली पानी, किसने बेहतर कराया, किसके कार्यकाल में बेहतर हुआ? अभी बस 2000 जनता पार्टी के आने के बाद ही ये सब अच्छा हुआ है। मामा को श्रेय जाता है, मामा अच्छा काम करके गए। अगर हमारी खबर पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि एक तरफ से जो हवा है वो कहीं ना कहीं आलोक शर्मा के पक्ष में चलती हुई भोपाल चौक बाजार में तो नजर आ रही है। अब भोपाल के बाकी इलाकों का क्या हाल है ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। यहाँ पर दो महिलाएं आपसे बात कर सकते हैं, महिलाएं थोड़ा सा बचती हैं भोपाल में ये हमने देखा, और खासतौर से एक समुदाय विशेष की जो महिलाएं हैं वो बात करने से बचना चाहती हैं, बोलना नहीं चाहती हैं। एक बैग की दुकान वहां नजर आ रही है, बैग की दुकान में जो चचा बैठे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। बड़ी खूबसूरत सी दुकान इनकी नजर आ रही है, बड़े खूबसूरत से बैग भी इनकी दुकान में मुझे नजर आ रहे हैं, आप देखिए बड़ी साज सज्जा के साथ इन्होंने बैग वगैरह सजा रखे हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? रईसुद्दीन। रईस भाई, 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं भोपाल के अंदर, किन मुद्दों पे जो है जनता मत करने वाली है भोपाल? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो महंगाई का मुद्दा है, पब्लिक को क्या है राहत मिलना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा है,
बेरोजगारी है, एक तो रोजगार नहीं है, परेशान है, पढ़े लिखे लोग भी परेशान है बेचारे, नौकरी नहीं मिल रही है। इन मुद्दों को लेकर चुनाव होना हो रहा है तो ऐसा विधायक आना चाहिए जो इन मुद्दों का ख्याल रखे, पब्लिक का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। सांसद जो भी आए उनको इस मुद्दों का, अपने भोपाल शहर का विकास हो, विकास की भी है। कहाँ रहते हैं आप भोपाल में? मैं रेत घाट पे रहता हूँ जी। हाँ, तो भोपाल में जैसे हम बाकी लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भोपाल में विकास बहुत हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो आपको क्या नजर आता है? विकास होता है लेकिन पुराने भोपाल में तो कोई विकास नहीं हुआ था, नए भोपाल में हो रहा, चल रहा है विकास। पुराने भोपाल का कोई नहीं जैसा है वैसे ही का वैसा। किन मुश्किलों से जूझ रहा है पुराने भोपाल का? पुराने भोपाल का कचरा एक तो होता नहीं है, नगर निगम भी ध्यान नहीं देती, जगह जगह कचरा के ढेर लग रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, रोडों की परेशानी है, गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें सकड़ी हैं, चौड़ी भी हैं तो गड्ढे हो रहे हैं, पब्लिक को परेशानी होती है ना साहब। इन मुद्दों का ख्याल रखना चाहिए और ये तो आवाजाही लगी रहती है, अभी आप जाएंगे पीर गेट से देखिए गड्ढे मिलेंगे आपको रोड पे भी। मुद्दों का विकास हो, पब्लिक का ख्याल रखना चाहिए, पब्लिक भी चुनेगी उन्हें जो इन बातों का ख्याल रखेंगे। भोपाल में हम देखते हैं अगर उत्तर भोपाल की बात करें तो लंबे वक्त से आरिफ अकील जो हैं वो विधायक रहे, अब उनके बेटे जो हैं आतिफ वो विधायक हैं, तो क्या इनने कोई काम नहीं कराया क्या पुराने भोपाल में? पुराने भोपाल में यहाँ तो काम नहीं हुआ, वो उनके इधर भी काम नहीं हुआ, रोड आज देखते हैं तो रोड भी वैसे ही पड़े हुए, विधायक भले ही रहे वो लेकिन रोडों का विकास या पब्लिक का ख्याल नहीं है। रोजगारी का ख्याल रखना चाहिए, सबको रोजगार मिले, सबको सामान समझना चाहिए, ये नहीं है कि साहब हमारे इधर वहाँ उत्तर भोपाल में हो गया तो उत्तर का ख्याल रखेंगे। भोपाल अपना शहर है, भोपाल का विकास होना चाहिए। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी जहनी वाली बात, आप जहनी बात कर रहे हैं, एक 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 शब्द चल रहा है इस चुनाव में, पसमानदा मुसलमान, यानी कि जो लोग भी जो पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम हैं उनको ऊपर लाया जाएगा, उनको निकाला जाएगा, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो देखिए हिंदुस्तान है, भारतीय संस्कृति है, गंगा जमुना का शहर कहलाता है भोपाल, गंगा जमुना तहजीब है, लोगों ने अब लोगों के मन है, यहाँ पब्लिक है, अपना अपना विचार सब अपने अपने विचार से करते हैं, ऐसा नहीं है मुसलमान अलग है और हिंदू अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सामान समझते हैं, शहर अपना है, भारतीय संस्कृति है, भोपाल में गंगा जमुना तहजीब है, सबको मिलकर रहना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमानों में पिछड़े हुए मुसलमान हैं हम उनके लिए काम करेंगे, उनको बाहर निकाल के लाएंगे, पसमानदा मुस्लिमों से जुड़ने की बात जो है वो लगातार की जा रही है, इस बात को किस तरह से देखते हैं? देखिए अगर ख्याल रखना तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सरकार रखे, केंद्र सरकार ने योजना निकाल ली है उसके लिए, यहाँ से भी अपने भोपाल के आएंगे सांसद आएंगे वो इसको लेंगे, सबको ऊपर लाना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग में रह गए उनको भी ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो सब अच्छी बात होगी। अच्छा है, सोच अच्छी है, कोई अपन ये नहीं है कि सोच नहीं है, वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, भोपाल में क्यों है वो गंगा जमुनी तहजीब जो बनी है तो वो बनी रहना चाहिए। भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब जो बनी है वो बनी रहनी चाहिए, बड़ी बेहतरीन बात इन्होंने की है, कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जब भारतीय संस्कृति की आप बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति सबको लेकर चलने की, सबको जोड़कर चलने की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ये कहती है कि सबको लेकर चलना चाहिए। पानीपुरी एक्सप्रेस, तो भाई एक बात बताओ, 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हो, क्या मुद्दे हैं? मैं वोटिंग ही नहीं देता भाई, अभी वोट नहीं देते, अभी 18 के नहीं हुए, हो गया वो आधार कार्ड का बनता ना, वो नहीं बनवा रहा यार, अपन जिम्मेदार नागरिक हैं भारत देश के, वोट देने के लिए अपने को जरूरी है कि अपना वोटिंग कार्ड बनवाए। मैम आपसे बात कर सकता हूँ? चुनाव के लेके, एक महिला है आप और महिला जो है वो आधी आबादी है देश की, किन मुद्दों पे जो है महिला 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट करने? मैं तो बीजेपी वाली हूँ तो मोदी जी को ही वोट दूंगी, बाकी महिलाओं को लेके काफी जो और भी जो आजकल नियम लागू हुए हैं, जो योजनाएं चली हैं, तो उसके द्वारा ये सब काफी अच्छी चीज हुआ है, बदलाव हुआ है काफी, जैसे लाडली बहना योजना इन सब जी, तो लाडली बहना योजना में काफी बदलाव हुआ है, जिससे बहुत सारे लोगों का तरक्की हुआ है, मतलब जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए, उनके पास आ रहे हैं, तो वो सब अच्छा है। अच्छा, मतलब मोदी सपोर्टर हैं आपके, बीजेपी सपोर्टर? मोदी सपोर्टर, मतलब मोदी फैक्टर जो है वो मायने रखता है जी, है ना?
बिल्कुल, देखिए इनका साफ कहना है कि ये मोदी सपोर्टर है और इसका मतलब है बीजेपी को वोट करने वाली, यानी इनका वोट भी आलोक शर्मा को ही जाता हुआ नजर आ रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से महिलाओं के लिए योजना लाई गई है, जैसे कि जो लाडली बहना योजना है, ये कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह रही और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। ये भोपाल की जनता है, भोपाल की जनता से हमने बात की चौक बाजार में, भोपाल के चौक बाजार में जहाँ पर काफ़ी रश होता है, यहाँ तरह तरह की आपको दुकानें दिख जाएंगी, तरह तरह के खाने पीने के जो है वो स्टॉल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं साफ किया है कि वो किसके साथ जो है जाने वाली है। हमें, हम बाकी की जनता का तो नहीं कह सकते, लेकिन जब हम चौक बाज़ार में घूमें तो ऐसा लगा कि जो चौक बाज़ार की जो पब्लिक है या यहाँ जो आए हैं लोग खरीदारी करने के लिए, वो आलोक शर्मा को शायद आशीर्वाद देने वाले हैं, या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी फैक्टर जो है वो काम करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है।